हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर का रिव्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आज मेरे गले की थोड़ी बैंड बच गई है, मतलब मेरी आवाज थोड़ी जो है वो खराब हो गई है, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में इस वक्त देख सकते हो लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर की बॉटल। और इसमें आपको कंटेनर में भी मिल जाएगी, कंटेनर की पैकेजिंग में भी आती है, यानी कि प्लास्टिक की एक डिब्बी आती है तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगी। छोटी बड़ी पैकेजिंग, सभी पैकेजिंग में ये आती है। और ये आप देख सकते हो, इसकी जो बॉटल है वो है क्रीम सी कलर में, इसकी बॉटल आती है, प्लास्टिक बॉटल में आती है ये, आप देख सकते हो। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। इंग्रेडिएंट की मैं अगर बात करूं तो बहुत ही लंबी लिस्ट है इसके इंग्रेडिएंट्स की, और लोशन को कैसे यूज करना है सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। प्राइस की मैं अगर यहां पर बात करूं तो ये है 120 रुपीज का, लेकिन मुझे ये 99 रुपीज में मिल गया था। और इसकी क्वांटिटी की मैं अगर बात करूं तो ये है 60 ml, ये आप देख सकते हो 60 ml की इसकी अंदर आपको क्वांटिटी जो है वो मिल जाएगी। और ये बॉटल आपकी आराम से एक महीना चल जाएगी। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और गर्मियों में भी हमें मॉइस्चराइजर को अप्लाई जरूर करना चाहिए अपनी स्किन पर, जैसा कि आप सभी जानते हो। और गर्मियों में अक्सर हम ऐसे कोई मॉइस्चराइजर की तलाश में रहते हैं जो कि बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर हो, तो उसके लिए मॉइस्चराइजर बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसे ओपन कर आपको दिखा देती हूँ। और मुझे भी पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसलिए मुझे बार बार साफ करना पड़ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। मेरा फैन भी ऑफ है इस वक्त, नहीं तो वीडियो में आपको डिस्टर्बेंस आती है, तो इसलिए मैंने फैन भी ऑफ कर दिया ताकि आपको आवाज में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा गला खराब है और ऐसे में अगर मैं फैन ऑन कर दूंगी तो और ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने फैन भी ऑफ किया हुआ है। तो प्लीज फ्रेंड, मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज यार एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। लिड इसकी काफी अच्छी है, काफी पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है, इजीली आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हो। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगी और ये देखिए, ये अच्छे से टाइट लॉक भी हो जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके साथ, तो आप इजीली इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हो गाइस। और ऐसी बॉटल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है जो इमीडिएट आप अपने पर्स में डालो और सेफ्टी के साथ आप इसके साथ अपना ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी झंझट के। तो चलिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। इस कलर की अगर मैं बात करूं ना, तो इसकी जो मॉइस्चराइजर का कलर है वो लाइट पिंक सा ही शेड है। ये देखिए, कंसिस्टेंसी इसकी काफी अच्छी है, ना बहुत ज्यादा थिन है ना बहुत ज्यादा थिक है, तो अच्छी है, मीडियम कंसिस्टेंसी आप इसे बोल सकते हो, इजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये देखिए, ये वॉटर बेस्ड है तो जो कि गर्मियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं इस तरह के मॉइस्चराइजर। तो ये देखिए, ये कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गई है मेरी स्किन में और बहुत अच्छी ग्लो भी आती है आपकी स्किन में, आप देख सकते हो। और मैं भी डेली में अभी फिलहाल जैसे कि समर चल रहे हैं तो मैं इसी मॉइस्चराइजर का अप्लाई करती हूँ। इसे आप अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो और बॉडी पर भी। तो इस मॉइस्चराइजर की ये भी खास बात है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे भी समर्स में खासतौर से ऐसे लाइट वेट मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जो इजिली स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाए और आपकी स्किन को चिपचिपा भी ना करे। और इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स की बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं हो रहा है, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि चिपचिपा हो रहा है, ये देखिए, नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर आप इसे कह सकते हो, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। खुशबू की मैं अगर यहां पर बात करूं तो खुशबू मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, मैं इसे 4 से 5 बार पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूं। फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर का रिव्यू। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।